आप देख रहे हैं चेन्नई लाइव, हर खबर के साथ आज की खास खबर। थाने सार में जय परशुराम सेना एवं गोड़ ब्राह्मण संस्था के संयुक्त तत्वाधान में दीपावली स्नेह सम्मेलन हुआ। भगवान परशुराम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि व आरती पूजन हुआ। और मोबाइल आई केयर हॉस्पिटल पुस्तक का विमोचन हुआ। सम्मेलन में प्रमुख अतिथि डॉक्टर सुशील इंदौरिया ने स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक किया। आगे देखिए पूरी खबर विस्तार से। जब हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी खराब होती है तो हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, प्लम्बिंग खराब होती है तो हम प्लम्बर को बुलाते हैं, कंप्यूटर खराब होती है तो हम कंप्यूटर स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं। तो हम हमारा हेल्थ के लिए क्यों हम अपने आप गूगल देखते हैं? हम क्या गूगल देके इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं? क्या हम गूगल देके प्लम्बिंग कर सकते हैं? तो हम जैसे रिपोर्ट आती है आप खुद पहला गूगल सर्च करते हो, पहले ही डायग्नोसिस कर लेते हो और पहले चीज आपके डॉक्टर को जाके लेते हो। ये चीज प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, हर लोग यहाँ पे बैठे हैं और आप अपने फ्रेंड सर्कल से दीजिए कि डॉक्टर आपके लिए कंसल्टेंट है। आप अपनी रिपोर्ट को स्टडी मत कीजिए, आप प्लीज अपने आप एनालाइज मत कीजिए। आपको शारीरिक कोई तकलीफ है वो पहले जाके डॉक्टर को बताइए। परशुराम सेना एवं गोड़ ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में आज हमने दिवाली स्नेह सम्मेलन बड़े ही धूमधाम से मनाया। और इस सम्मेलन में हमने एक निश्चय किया है, एक कार्यक्रम जो चलता फिरता दवाखाना है उसका उद्घाटन किया है। और वो कार्यक्रम हम परम सद्य आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत देश के भारत रत्न गौरव से जिन्हें सम्मानित किया गया है उनके जन्मदिन पे हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। ये शुरुआत हम एडवोकेट बी एल शर्मा जो हमारे समाज के समाज सेविक थे और उनकी याददाश्त में उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को हम निरंतर रखने का पूरा प्रयास करेंगे जिसमें आदिवासी समाज में ये हमारा चलता फिरता दवाखाना है जो आंखों का दवाखाना है, इसमें आंखों का चेकअप होगा, उसके अंदर उनके जो नंबर आएंगे उस नंबर के हिसाब से उनको चश्मा आदि निःशुल्क भेंट किया जाएगा। आदिवासी समाज की सेवा ही मानव सेवा है, सनातन सेवा है, इसी परिप्रेक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम लिया है और ये कार्यक्रम हमारा निरंतर रहे ऐसा हमारा प्रयास था।